स्थानीय लोगों को प्राथमिकता में। राज्य की, जिला की, क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है तो रोजगार है। और बकायदा कोडरमा में जो भी अब तक सत्ता में काबिज रहे हैं, मुझे लगता है 2024 में हम लोग उन्हें कोड़ने में सफलता हासिल करेंगे। राज्य की, जिला की, क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है तो रोजगार है। बदलाव महासंकल्प सभा को संबोधित करने झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति अध्यक्ष जयराम महतो कोडरमा पहुंचे। जयराम महतो को सुनने के लिए बड़ी संख्या में कोडरमा और आसपास के युवा मौजूद थे। तकरीबन 5 घंटे तक कोडरमा प्रखंड मुख्यालय में सभा चलती रही और समिति के अलग अलग नेता युवाओं को संबोधित करते रहे और स्थानीय नीति को लेकर पक्ष और विपक्ष के राजनीतिक दलों की आलोचना की। अपने संबोधन के दौरान जयराम महतो ने कोडरमा के सांसद और विधायक को भी आड़े हाथों लिया। जयराम महतो ने कहा कि बेरोजगारी देश की बहुत बड़ी समस्या है और इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए झारखंड में जिस स्थानीय नीति को परिभाषित करने की आवश्यकता थी, उस पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। राज्य की, जिला की, क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है तो रोजगार है, पलायन है और कोडरमा अभ्रक की राजधानी, गिरिडीह, हजारीबाग, ये 3 जिला है जो मैक्सिमम मजदूरों की संख्या प्रवासी मजदूर के रूप में है। और ऐसे स्थिति में जब हमारे पास अभ्रक है, एक ऐसा अभ्रक बेशकीमती खजाना जिससे राष्ट्र की उन्नति हो सकती है, राज्य की उन्नति हो सकती है, और उन्नति करने वाले लोग जिनकी ज़मीनों पर अभ्रक है, अगर वे लोग पलायन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो राज्य की नीतियाँ हैं या केंद्र की नीतियाँ हैं वो हमारे राज्य के लोगों के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए सही नहीं है। उसी के कारण आज ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो मेरा मानना है जो सबसे पहले अभ्रक है, इसे एक कानून के दायरे में लाया जाए और इसको लीगली किया जाए। इसका जो भी मैंने अभ्रक चुनना हो, खनन करना हो, उसे लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर किया जाए और खासकर अधिकार उनको दिया जाए जो विस्थापित क्षेत्र में आएंगे, जो रहती क्षेत्र में आएंगे और जिनके क्षेत्र में अभ्रक मैंने मिलेगा, पाया जाएगा। क्योंकि अगर जब तक आप स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं देते हैं तो उसमें एक आक्रोश आता है, एक रोष आता है। इसलिए मेरा मानना है अभ्रक चुनना हो या कोयलांचल में कोयला का कारोबार हो, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले, रैयत विस्थापितों को प्राथमिकता मिले जिनके जमीनों में वो खनिज संपदा है। जयराम जी, एक बार आप आ चुके हैं, क्या लग रहा है कोडरमा में आप जमीन तलाश में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल, कोडरमा में हम लोग जमीन तलाश चुके हैं और बकायदा कोडरमा में जो भी अब तक सत्ता में काबिज रहे हैं, मुझे लगता है 2024 में हम लोग उन्हें कोड़ने में सफलता हासिल करेंगे। राज्य की, जिला की, क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है तो रोजगार है, पलायन है और एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपने स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, Accenture, JP Morgan, JPT, TCS, Wipro, ITC, Federal Bank, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, DIPD बाईपास रोड, रांची।